वो छीनने को जाएगा बराबर, क्योंकि उसको उतना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गलत का नशा रहता है उसका तलब क्रेविंग इतना ज्यादा रहता है कि वो क्रेविंग के चक्कर में आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी का घर लूट सकता है, किसी ने कहा कि ये जाके ये कर दे तो वो कर देगा, सोचेगा नहीं। तो जो लोग गलत करते हैं वो ज्यादा तौर पे एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और उनका आखिर आखिरी समय किधर जाता है कि अगर कोई यंग एज में जेल जाएगा जो उसकी अच्छी उम्र है जहाँ पे वो काम करेगा, वो अगर उसकी उसका वो टाइम जेल में गया तो वो तरक्की कर पाएगा क्या लाइफ में? सर बात करने के लिए बालपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी महादेव कोहली साहब है। महादेव कोहली साहब, 2 साल के बाद जनता खुद उत्साह से नवरात्रि मनाने के सोचते, उसमें खास करके महिला वर्ग है, और टाइमिंग का आप बता सकते हैं क्या सर? बराबर 2 साल के बाद लोगों में उल्लास जल्लोश ज्यादा है, रस्ते में भी उनके कार्यक्रम में उनकी हर कार्यक्रम में उनके आने का भीड़ का भी ज्यादा हो गया, ज्यादा दिख रहा है। लेकिन मानसिक पुलिस के अधिकारी, महिला अधिकारी, पूरे हमारा स्टाफ सब बंदोबस्त में है आपके साथ। आप बिना खौफ बिना रुकावट शांति से बिंदास आप अपना संग एंजॉय कर सकते हो। जब जिस जैसे 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 अष्टमी है, नवमी है, 3 तारीख 4 तारीख तक 12 तक का टाइम दिया हुआ है, लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आपको सुविधा दी गई है उसका इस्तेमाल अच्छी तरह करके, कोई भी वारदात ना हो इसके ऊपर ध्यान रखे, अपना जो सन है, गरबा है, देवी का उत्सव है, अच्छी तरह आप इंजॉय करो। ये थे मानसून के अधिकारी कोहली साहब से बात करने के लिए, धन्यवाद। संजय निराले मानसून। सर आज आपने जो मानसून पुलिस स्टेशन की तरफ से कार्यक्रम रखा था लता के विरुद्ध, आगे क्या बोलना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल की तरफ से, आप क्या जनता में संदेश पहुंचाना चाहेंगे? जनता में यही संदेश पहुंचाना है कि जो अभी सब जगह पे दर्ज का बोलो या महिला अत्याचार बोलो या साइबर बोलो या बाल के ऊपर जो कोई अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ जो सीपी साहब ने हमारी जन जागृति का आयोजन करने को कहा था हर एक जगह की लोगों में इसकी जागृति हो, उसके हिसाब से आज हमने वो हॉल में आज एकता मंच हॉल में वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में हमने 5 स्कूल है जिसमें से मानसून के हाथ में आने वाले बड़े बड़े स्कूल है, उसमें एक शिवम है, महात्मा फुले हाई स्कूल है, न्यू इंग्लिश स्कूल है, उसके बाद सेंट ग्रेस है, इतने शिवम है, इनके कम से 650 बच्चों को इकट्ठा किया, उनके प्रशिक्षक साथ में थे, उनको हमने हमारे यहाँ से तज्ञ लोगों को बुलाया, उसमें गाड़गिल साहब डॉक्टर जो मानसोपचार तज्ञ और निवासी डॉक्टर के एम में, सुतार साहब है जो समाज विकास से काम करते हैं वो भी के एम में अटैच है, एनजीओ है, उनको बुला के उनके तरफ से हमने बच्चों को आगाह किया कि जो जो ये ऐसे गुने होते हैं या कोई दिखते हैं तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है और उससे आगे जाने वाली पीढ़ी को कैसे बचाए उसके बारे में हमने उनको जागरूक किया है। खुद भी जागरूक हो, जो बच्चे नहीं उनको बताओ, घर में बताओ, आजू बाजू में जाके इसके बारे में आप सब जगह ये हमारी बातें पहुंचाओ। सर अफवाह ऐसा फैलाया जा रहा है कि बच्चा चोरी का कहीं कहीं पे, इसके बारे में आप मानसून पुलिस स्टेशन की तरफ से क्या आपके तैयारी? बिल्कुल झूठी अफवाहें हैं, लोगों में बिना वजह या अफवाह फैला के डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, व्हाट्सएप के द्वारा भेजा जा रहा है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है। मुंबई में कौन से ही पुलिस चौकी में कौन सा ही एफ आई आर या इसी बात की कंप्लेंट अभी तक रजिस्टर नहीं है, इसके लिए लोगों को आज भी बोलना है, हमने कार्यक्रम में भी बोला है कि ये अफवाह है, अफवाह पे आप विश्वास मत रखो, अगर आपको अगर जानकारी चाहिए तो किसी ही चौकी के नज़दीक जाओ चौकी में और आप उसकी मालूम ले लो, लेकिन जो आपको व्हाट्सएप आता है वो आगे पहले मत करो, ऐसी कुछ भी नहीं है, सब झूठी अफवाह है। नवरात्रि का माहौल चल रहा है, इस पे आगे आप महिला और जो बच्चे हैं उनके जो सिक्योरिटी है उसके उसमें क्या बोलना चाहेंगे? मानखुद की तो हमारी सिचुएशन बहुत ही अच्छी है कि हमारे यहाँ पे लोग रहने वाले भले ही गरीब दर्जे के निचले स्तर के लोग हैं लेकिन आपस में उनके मिल मिलाप है, प्यार मोहब्बत है, वैसे तो गर्भ में हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, महिला छेड़छाड़ रहे जो या लेडीज छेड़छाड़ जो ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए मानसून पुलिस स्टेशन के महिला अधिकारी है साई, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि नवरात्रि का माहौल चल रहा है और आज मानसून पुलिस स्टेशन की तरफ से जो नशा के विरुद्ध कार्यक्रम रखा गया था,
उसमें आप जनता को क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? हम जनता को यह मैसेज देंगे कि हमारे पुलिस स्टेशन से एक छेड़छाड़ महिला अत्याचार विरोधी छेड़छाड़ पथक नियुक्त किया है। जो कोई भी कंप्लेंट होगा, हमने बच्चों का हमारा नंबर दिया है, चार लेडी ऑफिसर का है, चार लेडी ऑफिसर का नंबर, कुछ भी किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमें कुछ भी प्रकार हो जाए, अनुचित प्रकार हो जाए एरिया में, तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारे पुलिस वहाँ पहुँच सकते हैं। निर्भया पथक जो होता है मैडम, निर्भया पथक का आप नंबर देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जनता को? आप 100 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, वहाँ से हमें कॉल मिलता है तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मानपुर पुलिस स्टेशन के महिला अधिकारी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज मानपुर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये जो है नशा के विरुद्ध कार्यक्रम रखा गया था, और महिला अधिकारी से बात करना चाहूँगा। भाई, आप क्या जनता में मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? जनता में हम मानपुर पुलिस स्टेशन की तरफ से आज महिला अत्याचार के बारे में बातें की है। उसमें गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, लड़कियों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और कौन से प्रॉब्लम के लिए हम अवेलेबल है, और कौन से प्रॉब्लम के लिए आपको पेरेंट्स से या आपके टीचर से बात करनी चाहिए, पेरेंट के साथ और टीचर के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, और साइबर क्राइम के बारे में भी हमने बताया है कि कौन कौन से लिंक होते हैं या कैसे कैसे फ्रॉड हो जाते हैं, क्या करने से आप फ्रॉड से बच सकते हो, इसके बारे में हमने बताया है। ये बच्चा उठाने का जो अफवाह फैलाया जा रहा है मैडम, तो आप महिलाओं में और बच्चों में क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? ये गलत है या किसी व्हाट्सएप द्वारा या कुछ ऐसे मैसेज द्वारा फैलाया जा रहा है, इसके बारे में आप मानसिक पुलिस स्टेशन की तरफ से क्या लोगों में मैसेज देना चाहेंगे? ये पूरी तरह से एक झूठी अफवाह है, और ये सब कोई भी मैसेज और कोई भी वीडियो क्लिप आज तक नहीं आया है, हमारे पास तो नहीं आया है। इसलिए हम लोगों से यही बोलने चाह रहे हैं कि ये सब झूठे हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम आप हमसे 100 नंबर या 103 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे। निर्भया पथक का मैडम आप नंबर देने वाले हैं क्या जनता के लिए, तो आप नंबर बोल के बता सकते हैं? निर्भया का हमारा नंबर है 8591935741, या हमारा निर्भया का फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आप आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।